हमारे कॉलोनी में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वादे तो सभी कर रहे हैं, अब करके कौन दिखाएगा? ये फैसला आप लोगों को खुद लेना है, कौन काम करने वाला है और कौन नहीं है। जो आपको अच्छा लगे काम करने वाला जिम्मेदार आदमी, आप दिल से उसको वोट दीजिए। हजरात, हमारे कुछ अग्रणी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी आपके सामने। हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि RWA के सबक सर जनाब यूसुफ खान साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। आप एक मालूम बोलिए हम लोगों ने तकरीबन 6 साल लगातार हमारी पूरी टीम ने कॉलोनी 6 साल पहले बगैर सड़क बगैर सीवर बगैर RWA ऑफिस की थी। पहली पुलिया पे क्या नाम है बहुत ज़्यादा क्या नाम है गाड़ियाँ भीड़ खड़ी रहती थी। तार के नीचे जो चौकी के सामने नाला जाता था वो रास्ता नहीं था, हमने वो रास्ता बनवाया। हमने इलाके में पूरी कॉलोनी के अंदर 5 बोरिंग करवाई MLA साहब की मदद से, और तकरीबन 2200 मीटर तकरीबन इलाके में 2200 मीटर पानी की लाइन बिछवाई। घर घर को बोरिंग का पानी घर घर पहुंचाने के लिए हमने तकरीबन 2200 मीटर लाइन पहुंचाई। और भी मजीद काम इलाके की साफ़ सफाई RWA ऑफिस के तैयार करना, उसके अंदर लाइब्रेरी खोलना, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स के लिए हमने फंक्शंस के लिए वो तैयार करा है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं, इतने वक्त नहीं जो बताऊं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग उस पैनल को चुने जो काम करता पाया है, जो काम करता रहा है इलाके के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग, आप लोगों ने हमें मौका दिया और हमारे पैनल को हमारी टीम को जिताया, तो इंशाल्लाह हम जो इलाके में काम करेंगे वो हसब ज़हन है। हम इलाके के अंदर जितने भी एंट्री गेट्स हैं, एंट्रीज़ हैं, जितने इलाके के अंदर आउटर एंट्रीज़ हैं, सबके अंदर गेटेड करेंगे, इलाके को गेटेड सोसाइटी बनाएंगे और आबादी के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर चौकीदार रखेंगे। नंबर 2, हमारे यहाँ एक पार्क D189 है और वो खाली पड़ा रहता है, लोगों के इस्तेमाल में नहीं होता। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम उसके अंदर लेडीज़ के घूमने के लिए पैदल चलने के लिए ट्रैक बनाएंगे, उनके सामान रखेंगे और बच्चों के खेलने के लिए और लेडीज़ को मखसूस कर देंगे उस बात को। तीसरा काम जो हमने सोचा है, बहुत सारे काम है, उसमें से एक जो बहुत ज़रूरी काम है, हमारे इलाके में कुछ रोड और सीवर पड़ने से रह गए और कुछ गलियाँ ऐसी है जहाँ पर हम पानी की लाइन बिछा नहीं सके हैं। तो हमें मौका मिला तो सबसे पहले प्रायोरिटी पर हम पूरे इलाके में जो जगह रह गई वहाँ पर रोड सीवर और पानी की लाइन लगाएंगे, ताकि बाकी जो इलाका इस सोलह से महरूम रह गया है वो उसका फ़ायदा ले सके। एक काम यहाँ पर हमने जो सोचा है, यहाँ पर बिजली और इंटरनेट के वायर्स का इतना ज़्यादा नेक्सस है, इतना बड़ा जाल है, बेसिस वालों को हम लोग पैसा देते हैं, पूरी पेमेंट देते हैं, लेकिन उन्होंने इतने गलत तरीके से केबल लोगों के घर तक कनेक्शन पहुँचा रखी है, गरीब चारों तरफ उनका केबल ही केबल, खम्भे को बरते हिसाब केबल, तो उनको हम उनसे कहेंगे उसको ऑर्डर में करें, सारे इंटरनेट वाले ऑर्डर में करें और तरीके से उसको लगाए, ताकि गाड़ियाँ आने जाने में रोड क्रॉस होते हैं कार, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसको हम मुनज़म करना है। एक जो काम हमने इलाके में पहले हमने कोशिश करी थी मोहल्ला क्लिनिक बनवाने के लिए, और उस समय किसी भी हालात की वजह से वो नहीं बन पाया। इंशाल्लाह ताला इस बार हम पार्क जो है इन पार्क के अलावा किसी और जगह के इंतजाम करके हम अपने इलाके में दिल्ली हेल्थ स्कीम के का फ़ायदा उठाते हुए मोहल्ला क्लिनिक। एक बहुत ज़रूरी काम हमने देखा, कुछ इलाके में हमने बीच में कुछ ग्रीनरी, कुछ मस्जिद के पास, कुछ अलग अलग जगह छोटे छोटे पौधे मंगवा के लगाए, पौधे भराला अमानत भाई ने भेजे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट लोग उन्होंने भेजे, उन लोग से हमने मुहैया करवाए, तो लोगों को बहुत अच्छा लगे, कुछ खबर बहुत लगा। तो इंशाल्लाह जब जीत के आएंगे तो जहाँ जहाँ जगह है पूरे इलाके में इंशाल्लाह ग्रीनरी करेंगे।
और भी बहुत से काम हैं इलाके में। हमारे इलाके में अबुल फजल में अभी गैस लाइन, ओखले के दीगर इलाकों में गैस की लाइन पड़ गई, गेल गैस लाइन, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें मौका मिला तो वो गैस की लाइन अपने इलाके में मुहैया करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस इलाके में पानी की लाइन डल गई है, उसमें डीप वेल से पानी सप्लाई हो रहा है। इंशाल्लाह ताला इस बार ये कोशिश करेंगे कि उस पानी की लाइन के अंदर जल बोर्ड का मीठा पीने वाला पानी हम जुड़वा सके, और इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। हर डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में जल बोर्ड में जाएंगे, केजरीवाल ऑफिस के ऑफिस में जाएंगे, हम आनंद भाई के पास जाएंगे, और फिर भी सारा हम उनसे खतों किताबत करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, उनसे क्या नाम है कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे, फिर भी काम नहीं पड़ा तो इस हद तक जाएगी। हम उसके लिए धरना और सब कुछ करने के लिए तैयार, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला महिलाओं को पानी ला रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे काम हैं, अब वो हमारे ये एक मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो के बराबर बहुत सारे काम होते हैं जो कि हम सब चीज़ें बयान नहीं कर सकते। साफ सफाई का निज़ाम, बेहतर माहौल, जो गैर मौजूद लोगों का यहाँ हल्ले फूलने से रोकना, अच्छा माहौल बनाना, इस तरह की चीज़ें हैं और पूरा मैनिफेस्टो है। तो ये आप पढ़ें, आप देखें, आप समझिएगा, आप हमारी आपसे गुजारिश है, आप उन लोगों को चुने जो लोग काम करते हैं, उन लोगों को ना चुने तो सिर्फ इलेक्शन में आते हैं, बातें करते हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद आए। शुक्रिया।